गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के अंदर प्रमोट कर दिया है, तो आप लोग कॉलेज में आके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, कॉलेज की फीस जमा कराइए, ताकि हम कॉलेज से यूनिवर्सिटी में लिस्ट आगे फॉरवर्ड कर सकें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रमोट होने के बाद में एडमिशन यहाँ ले लिया है। आपका एडमिशन तभी माना जाएगा, प्रमोट होने के बाद में नेक्स्ट क्लास में एडमिशन तभी माना जाएगा जब आप फीस सबमिट करवाएंगे। और आपके आसपास जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे कॉलेज में अभी एडमिशन प्रोसेस चालू है, तो आप उन्हें गाइड कीजिए, यहाँ के एडमिशन्स लें, वो अपनी कॉलेज की फीस जमा कराएं। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो बचा हुआ पार्ट है माइटोसिस वाले चैप्टर का। ये लास्ट पार्ट है माइटोसिस का, इसे हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने माइटोसिस क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस है और उसका जो साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेप वाइज जो उसमें स्टेप्स आते हैं, उन्हें हमने डिस्कस किया। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में माइटोसिस प्रोसेस में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। देखिए, प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस में जो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कंटिन्यू होता है, यानी जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर कंटिन्यू होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये प्रोसेस सभी सेल्स में, चाहे वो फास्ट डिवाइडिंग हो चाहे नॉर्मली या स्लो डिवाइडिंग सेल्स हो, उनके अंदर चलता रहता है। यानी दोनों टाइप के सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये माइटोसिस का प्रोसेस चलता रहेगा, चाहे वो फास्ट डिवाइडिंग हो चाहे स्लो डिवाइडिंग सेल्स हो। प्लांट माइटोसिस के अंदर एस्टर नाम का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। एस्टर एक स्टार शेप स्ट्रक्चर है जो कि माइटोटिक डिवीजन के समय पे सेंट्रोमियर के आसपास बनता है, तो ये प्लांट माइटोसिस में नहीं डेवलप होता, जबकि एनिमल माइटोसिस में ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, प्लांट माइटोसिस में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, जबकि एनिमल माइटोसिस के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। फोर्थ डिफरेंस जो है वो हम देखते हैं, प्लांट माइटोसिस के अंदर जो डिवीजन है, यानी कि पूरा सेल जब डिवाइड होता है तो उसके लिए एक बेसिक प्रोसेस रहता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्लासेस में, वो ये है कि प्लांट सेल्स में डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फाइनल डिवीजन यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता। फिफ्थ डिफरेंस, जो लास्ट डिफरेंस है, वो ये है जो हम देखेंगे प्लांट माइटोसिस के बारे में, कि यहां पर जो फरोइंग है, यानी जो इक्विटोरियल फरोइंग का जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए लास्ट में, यानी साइटोकाइनेसिस में, वो प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एनिमल सेल्स में इक्विटोरियल फरोइंग या सिंपल फरोइंग का जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए, यानी साइटोकाइनेसिस के लिए, वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ पांच बेसिक डिफरेंसेस हैं माइटोसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहली जो बेसिक डिफरेंसेस इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि मदर सेल और डॉटर सेल, यानी मदर सेल तो पेरेंट सेल जिससे कि नए सेल बनेंगे, और जो नए दो सेल्स बन रहे हैं वो उस पुराने वाले सेल्स के सेल के लिए डॉटर सेल रहेंगे। तो देखिए, जो ये मदर और डॉटर सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी उनकी संख्या में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होता। यानी मदर सेल में जितने नंबर हैं क्रोमोसोम के, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम
दोनों बने हुए डॉटर सेल्स में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि मदर और डॉटर सेल जो है वो जेनेटिक लेवल पे आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनका जो जीन लेवल है, जीन मेकअप है, यानी उनमें जीन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई क्रॉसिंग ओवर वहां पे नहीं होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मदर और डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी जीन लेवल पे दोनों समान होते हैं, जीन का सीक्वेंस लेवल समान होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उन सेल्स की संख्या बढ़ती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर कह देते हैं ग्रोथ हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जब किसी बॉडी में बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, उसका आकार बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, फाइनली हम ये कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ये है कि बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पार्ट जब टूट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर वो पार्ट वापस से डेवलप हो गया, यानी कि रिजेनरेट हो गया। और प्लांट्स में तो ये प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है कि भाई ब्रांचेस टूट गई हैं तो नई ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं उसी जगह के ऊपर, लीव्स टूट जाते हैं या पतझड़ के सीजन के अंदर वो झड़ जाते हैं लीव्स, तो वापस से नई लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉस्ट पार्ट्स हैं उनका रीजेनरेशन माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस है, यानी कि कायिक जनन का जो प्रोसेस है, यानी जो सोमेटिक सेल्स के डिवीजन की वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है पर्टिकुलर प्लांट्स के नंबर का या प्लांट की स्पीशीज का, वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही चलता है। यानी ये जो पांच हमने पॉइंट्स यहां पढ़े, ये हमें माइटोसिस के प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है उसे दर्शाते हैं। तो यहां आज हमने कंप्लीट किया माइटोसिस वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।